आपको बता दें कि नवादा में 3 महिलाओं को घर से अपहरण कर लिया गया है, साथ में लखीसराय में एक व्यक्ति को मजदूरी मांगने पर पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है। नवादा में 3 महिलाओं को दबंगों ने घर से उठा लिया और अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद हिसुआ थाने में परिजनों ने लिखित आवेदन देकर बरामदगी का मांग करते कार्रवाई करने की मांग किया। यह घटना जिले के हिसुए थाना क्षेत्र के अरियन ग्राम टोला जयप्रकाश नगर में विगत रविवार का बताया गया है। अपहरण के 48 घंटे बाद भी महिलाओं को बरामदगी नहीं होने पर परिजनों का गुस्सा चरम पर है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर भ्रमण किया और हिसुआ थाने का घेराव किया। तो सोचिए कि किस प्रकार से गरीबों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, दबंगों के कितना मन बढ़ा हुआ है। अब बताइए कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता है, FIR नहीं कर सकता है। क्या अपनी हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए क्या न्यायालय जाना गलत बात है, थाना कोर्ट कचहरी जाना गलत बात है? अगर थाना कोर्ट कचहरी जाएगा तो लोग तस्बीया कराने के नाम पर उसको अपहरण कर लेगा और उसके साथ मारपीट करेगा। साथियों, घटना इतना ही नहीं है, आगे भी हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हिसुआ थाना में लिखित आवेदन देते हुए आर्यन ग्राम के जयप्रकाश नगर निवासी राजेश मांझी, उम्र 35 वर्ष, पिता राम भज्जू मांझी ने कहा कि 25 अगस्त की सुबह 8 बजे उनकी मां मंजू देवी, उम्र करीब 55 वर्ष, आर्यन मजदूरी करने गई थी। जब वह गांव के बाहर सिंह के घर के पास थी कि अचानक गाड़ी में बैठाकर उसकी मां को लेकर के जबरदस्ती चला गया। सोचिए, कोई तस्बीया कराने के लिए उससे प्रेम से बोलता है कि भैया, जो गलती हुआ हम गलती मान रहे हैं, लेकिन अब आप तस्बीया कर लीजिए, जो हुआ से हुआ, अब लड़े से कोई फायदा नहीं है। लेकिन तस्बीया भी लोग करने जाते हैं तो दबंगई करते हैं, और दबंगई इस प्रकार के करते हैं कि उसको डायरेक्ट अपहरण कर लेते हैं। देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है। वहीं दोपहर करीब 2 बजे मैं अपनी पत्नी सुगी देवी एवं बाबू बबीता देवी के साथ में केस करने नवादा हरजन थाना जा रहा था, तो फिर रास्ते में सिराज नगर के पास अचानक उक्त सभी लोगों ने मिलकर घेर लिया एवं गंदा गंदा गाली गलौज करते हुए मेरी पत्नी सुगी देवी एवं बाबू बबीता देवी को पकड़ लिया। जब मैं विरोध किया तो मेरे साथ फाइट एवं मुक्का से मारपीट करने लगा एवं दोनों महिला को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर नवादा के तरफ ले गया। उन्होंने कहा, मैं काफी घबरा गया, इस बीच पता करने का पूरा प्रयास किया किंतु अभी तक पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा, मुझे डर बना हुआ है कि मेरी माँ, पत्नी एवं बाबू के साथ गंदा हरकत किया जा सकता है एवं कोई भी अनहोनी कार्य किया जा सकता है। यह लोग काफी दबंग एवं अपराधी प्रवृत्ति का है। कई एक केस इन लोगों के विरुद्ध थाना में दर्ज है। तो सोचिए साथियों कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति के परिवार के ऊपर टारगेट करके और उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको अपहरण कर लिया जाता है केस के तस्बीया कराने के नाम पर। आगे लिखा है, घटना रविवार को है, घटना रविवार को हुआ है। तब थाने में सोमवार को पीड़ित के पुत्र द्वारा दिए आवेदन पर कांड संख्या 11/24 दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो सोचिए कि किस प्रकार से बिहार में गुंडा प्रवृत्ति के लोग गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, आपको हम बता देते हैं कि निमचक बथानी खिजर सराय थाना क्षेत्र के मामला है, जो आया है मजदूरी मांगने के ऊपर। तो आपको हम पूरा मामला बता देते हैं।
मजदूरी मांगने गए युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बता दें कि खिजर सराय थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव में मजदूरी मांगने गए सज्जन मांझी की पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। घटना सोमवार की रात का है। सज्जन मांझी का शव मुसेपुर नैली पैन के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रात में ही पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक की पत्नी ललिता देवी ने खिजर सराय थाना में आवेदन देकर बताया कि मारपीट करते हुए गांव के लोगों ने देखा भी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसका बुरा हाल हो जाता है। तो सोचिए कि गरीबों के साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। गरीबों पर लगातार शोषण, दोहन, हत्या, बलात्कार लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस पर बिहार सरकार भी मौन है, इस पर केंद्र सरकार भी मौन है, इस पर नेता, मंत्री, विधायक भी मौन है। आखिर कब तक इन गरीबों के ऊपर अत्याचार होते रहेगा, इन गरीबों के ऊपर शोषण होते रहेगा, इन गरीबों के ऊपर दोहन होते रहे। अब बताइए साथियों कि नवादा में उस व्यक्ति का क्या कसूर है? सिर्फ इतना ही ना कि उसके साथ लोग दबंगई करते थे, उसको मारपीट किया करते थे, उसके बहन बेटी के साथ बलात्कार किया करते थे, उसके विरुद्ध जाकर के वो थाना में केस किया, और जब थाना में केस किया तब उसको तस्बीह कराने के लिए उसके माँ को, उसके बाबू को, उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया जाता है और उसको धमकी दिया जाता है कि जब तक तुम तस्बीह नहीं करोगे तब तक तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, घटना हो करके लगभग 3 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस परिजन को नहीं खोजा गया है। उस परिजन का कहीं भी पता नहीं चला है कि उसकी माँ, पत्नी और बाबू कहाँ है। तो साथियों, ऐसे घटनाओं के ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और निमचक बथानी के जो मामला खिदर सराय थाना के आपको हम बता रहे हैं कि क्या अपना हक मांगना, मजदूरी मांगना भी इस राज्य में, इस देश में गुनाह है? मजदूरी मांगना भी इस राज्य में, इस देश में गुनाह है? काम किया है तभी आपके पास मजदूरी मांगने गया है, और जब मजदूरी मांगने गया तो आपको गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि अपने सहयोगियों के साथ मिल करके और उसको पीट पीट करके हत्या कर देते हैं। आप सोचते भी नहीं हैं कि उनके परिवार के साथ क्या होगा, उनके बच्चे के साथ क्या होगा, उनकी माता पिता के साथ क्या होगा, किसी प्रकार का नहीं सोचते हैं और उनको मार मार के हत्या कर देते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो समझ जाइए कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार और बिहार के प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि गरीबों के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है और किसी प्रकार का उस पर स्पेशल टीम गठित करके जांच नहीं किया जा रहा है और लोग उसको लापरवाही की तरह छोड़ देते हैं। यही अगर मंत्री के, विधायक के, सांसद के परिवार के साथ होता तो पुलिस प्रशासन रातों रात, घंटे घंटा में अपराधी को खोज लेता और उसको सजा देने का काम करता। लेकिन ये बेचारा गरीब है, और गरीब में सबसे ज्यादा गरीब है, महादलित में भी दलित है, तो सोचिए उनके साथ क्या किया जा रहा है।